हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। और मैं रुदनेश राघव, कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और जबरदस्त तरीके से 1-2025 की तैयारी कर रहे होंगे। आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आज तक जब भी कभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, इधर से इधर नहीं हिली, जो कि तो आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, पिछले जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनकी भी कट ऑफ के साथ में एनालिसिस करके पूरी जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि अब की बार बहुत ही आसान है सिलेक्शन लेना। क्योंकि अभी पिछली बार जैसे 22 गई एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की गई थी 33.5, 37.75, लेकिन अब की बार चौंकाने वाले आंकड़े होंगे, क्योंकि बहुत ईजी जाने वाली है अब की बार आपकी कट ऑफ इंडियन एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप की। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और हम आपको बताएंगे कि कहां से आप पूरा इंग्लिश का कंटेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार आपके राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट सीकर में इंग्लिश केवल और केवल एयरफोर्स और नेवी को ही पढ़ाई है, जिसका आज तक आप जानते हैं तोड़ नहीं है। इंग्लिश में जो पढ़ा दिया उससे बाहर कभी कुछ देखने को नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं, इससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, इंडियन एयरफोर्स में अगर हम बात करें अग्निपथ स्कीम की, तो सबसे पहले मैं आपको पिछली जो यानी प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ है उनका एक बार एनालिसिस करके बताता हूं दोस्तों, तो आप खुद समझ जाएंगे कि वास्तव में हमारे इस समय पर इंडियन एयरफोर्स की कट ऑफ बहुत कम पे जाएगी। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 2022 मैं जब पहली बार आपकी अग्निपथ स्कीम की जो भर्ती आई थी, पहली बार अग्निवीरों की, उस समय गई थी एक्स ग्रुप की 28 पर, ठीक है, और वाई ग्रुप की गई थी 34 पर। अब यहां से एक बात समझना, 28 और 34 तो गई थी, ठीक है, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा थी उस समय पर 28 और 34, क्योंकि आज के हिसाब को देखते हुए आज तो कितनी आ रही है, मुश्किल से मुश्किल 22 आ रही है। उस समय पर ये जब गई थी तो इन्होंने तुरंत अब एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए थे, 7 डेज का टाइम मिला था फेज टू के लिए, 7 डेज का टाइम मिला था फेज टू के लिए मात्र, और 7 डेज के टाइम में बच्चे फिजिकल में भी बहुत आउट हुए थे, ठीक है बच्चों, फिजिकल में आउट हुए थे और ग्रुप डिस्कशन में भी बच्चे आउट हुए थे, क्योंकि 7 डेज में बहुत से बच्चे अपने आप को कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। लेकिन यहीं से अगले वर्ष क्या हुआ, फिर 1-2023 से कहानी शुरू होती है, और इसमें हम देखते हैं 1-2023 में इन्होंने यहां पे एक्स ग्रुप की कट ऑफ कितनी लगाई, 39.5, और 40 गई किसकी, वाई ग्रुप की। देखने में बहुत बड़ी कट ऑफ है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने जो ये कट ऑफ लगाई, इसमें इन्होंने ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल इतना हार्ड लिया कि तमाम बच्चे इसमें छट गए, बहुत सारे बच्चे इसमें छट गए। तो यहां से इनको समझ में आया कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है, क्योंकि यहां पर सीट खाली रही और स्टैंड बाई के बच्चों को बुलाया, और स्टैंड बाई के बहुत बच्चों को भी इन्होंने क्लियर किया 2023 के फर्स्ट इनटेक में। अब कहानी शुरू होती है जब यहां इनको समझ में आया कि अग्निपथ स्कीम का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल है बच्चों की दिलचस्पी को कम करने में, तो इन्होंने 2023 में तो इस कट ऑफ को रख दिया इतना हैवी। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि 2023 की जो कट ऑफ आई चौंकाने वाली थी, और मैं आपको पहले ही बता चुका था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में इतने कम फॉर्म भरे गए थे उस समय पर, बहुत कम फॉर्म भरे गए थे, जिसकी वजह से 22 पर एक्स ग्रुप की कट ऑफ गई और वाई की गई 33.5 पर। ये कट ऑफ जाने के बाद भी एक बहुत बड़ी सहूलियत देखने को मिली और लगातार चलती आ रही है अभी भी, फिलहाल भी। वो क्या सहूलियत थी कि आपका जो फेज टू है, फेज टू ऐसे मान के चलो जैसे कि आपका केवल और केवल फॉर्मेलिटी पूरी हो रही हो, अपनी केवल फॉर्मेलिटी पूरी की है इंडियन एयरफोर्स ने कौन से में, 2-2023 में, और बच्चों को, बेहिसाब बच्चों को फेज टू में पास किया गया, जिनकी उम्मीद नहीं थी वो भी बच्चे फेज टू पास हुए 2-2023 में। और ये सिलसिला अभी लगातार चलता रहेगा, सिर्फ किस लिए, क्योंकि ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है। क्या है सत्य, कि जो इंडियन एयरफोर्स में बच्चा एक्स ग्रुप का है, एक्स ग्रुप का बच्चा जो ब्रिलियंट लड़का है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को अच्छे से कमांड करता है, आज का लड़का बहुत कम दिलचस्पी ले रहा है अग्निपथ स्कीम में। वो क्यों ले रहा है, आप भी समझदार हैं, केवल और केवल किसकी वजह से, 4 साल के लिए।
अब आप कहोगे कि सर परमानेंट होने के चांसेस हैं 25% के, लेकिन फिर ब्रिलियंट बच्चे ऐसे क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये मानसिकता हमारी और आपकी नहीं है, पूरे देश की ये मानसिकता है, हमारे भारतीय सिस्टम को लेकर के, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कह लो या फिर हमारी भारतीय भर्तियों की जो प्रक्रिया है उसके सिस्टम को लेकर के सभी लोग डाउट में रहते हैं कि भाई 4 साल बाद पता नहीं किस तरीके से परमानेंट करेंगे, और ऐसा ना हो कहीं सेटिंग वालों को ही परमानेंट करें। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी है हमारे देश में, और ये मेंटेलिटी उन लोगों की ऐसे ही नहीं बनी, ये धीरे धीरे बनाई गई है हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं के द्वारा, भ्रष्ट ऑफिसर्स के द्वारा। क्योंकि आपको भी मालूम है करप्शन चरम सीमा पर है हमारे देश में, जहां भी मौका मिलता है वहीं पे करप्शन दे मारते हैं लोग आज की डेट में। तो बच्चों के दिमाग में तो कम, उनके अभिभावकों के दिमाग में ज्यादा रहता है कि 4 साल के बाद कोई भरोसा नहीं 25% में हमारा बच्चा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही बात चलती है कि कहीं ऐसा ना हो 4 साल के बाद जिनकी सेटिंग अच्छी हो केवल वही आगे परमानेंट हो। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को समझाया कि आपका बच्चा अगर पढ़ने में बढ़िया है तो ये तो वैसे ही 25% में परमानेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं, उनका ये मानना था कि आपको नहीं पता सर सिस्टम बड़ा खराब है, ये बच्चे मेहनत करने वालों का कुछ नहीं होगा और पता नहीं क्या भी हो जाए क्या ना भी हो। उस बात को हमने छोड़ दिया, लेकिन आगे हम बात करें कि ये अभी जो कंपटीशन है इतना डाउन क्यों होता जा रहा है। देखिए, इसका डाउन होने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको भी पता है, अग्निपथ स्कीम है, यानी कि 4 साल है। जिस तरीके से बच्चों की दिलचस्पी में गिरावट आ रही है उस तरीके से लगता है कि 2026 में जो रिपोर्ट आएगी आपके अग्निपथ स्कीम की, जहां तक आप देखना अग्निपथ स्कीम को एयरफोर्स और नेवी से रिमूव करना ही पड़ेगा। इधर देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। इधर बच्चों फिर हम बात करते हैं अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आगे अपने 2025 में, ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों देखते हैं, आइए देखिए एयरफोर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें, यहां से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें बच्चों, तो एक बात समझने की है यहां पर कि हमारे पास में 2024 की जो अभी जो बच्चे आपके दिसंबर में 22 दिसंबर को जो बच्चे ज्वाइनिंग पे गए हैं उनकी क्या थी एक्स कट ऑफ, क्या गई थी 22 पर गई थी एक्स ग्रुप की, और 22 पे ही गई थी किसकी, लड़कियों की, और वाई ग्रुप की गई थी किस पे 37.75 पे। बच्चे कह रहे होंगे कि सर एक्स ग्रुप की तो जा रही है बहुत ही कम पर, है ना, कम पर जा रही है, लो जा रही है, लेकिन वाई ग्रुप की इतनी हाई क्यों जा रही है? तो बच्चों इसको आप समझो, क्योंकि जो बच्चा SSC की तैयारी कर रहा है, चाहे CGL की तैयारी कर रहा है, चाहे MTS की कर रहा है, यानी किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें इंग्लिश आती हो, तो वो बच्चा भी इसमें हिस्सा लेता है किसमें, वाई ग्रुप में। तो वाई ग्रुप में ज्यादा हिस्सा लेते हैं बच्चे, क्योंकि बेहिसाब बच्चा इंडियन एयरफोर्स में फॉर्म भरता है, भले ही अग्निवीर है, भले ही 4 साल की नौकरी है, लेकिन आज भी देश में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो इंडियन एयरफोर्स की वर्दी को देख के उनके अंदर एक जुनून पैदा होता है और वो केवल ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एक बार इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने का मौका मिल जाए, चाहे जो होगा देखा जाएगा 4 साल बाद। तो सबसे बड़ी बात क्या है, यह है इंडियन एयरफोर्स में जुनून है कुछ बच्चों में, और ये एक्स ग्रुप में बच्चे जुनून अपना कम क्यों रखते हैं ये आप समझदार हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने साइंस साइड से यानी PCM से, जिस बच्चे ने PCM से 12th की है, जो बहुत ब्रिलियंट लड़के हैं, उनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, चाहे तो बात करें हम NDA की, CDS की, आपके SSC में, बैंकिंग में, CGL, और जितने भी लेखपाल, पटवारी, इतनी सारी वैकेंसी आती हैं पुलिस वगैरह की। बच्चा साइकोलॉजिकली सोचता है कि यार 4 साल का है उधर, तो इससे तो बढ़िया है, उनको खुद पे विश्वास होता है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो हम क्यों ना ऐसी तैयारी कर लें एक ही बार में कि परमानेंट ही हो, सही भर्ती हो। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे, ये एक्स ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं, ये किधर मोड कर जाते हैं, ये मोड कर जाते हैं ज्यादातर अदर एग्जाम पर, चाहे SSC की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अर्धसैनिक बल हो, जैसे BSF RO है, ठीक है, BSF RO रेडियो ऑपरेटर की हर साल इतनी सारी वैकेंसी निकलती है, पुलिस में इतनी सारी वैकेंसी निकलती हैं रेडियो ऑपरेटर की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वगैरह की, बहुत सारी दिल्ली पुलिस वगैरह। तो बच्चा इस पे फोकस कम कर रहा है जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, जो मीडियम बच्चे हैं या फिर जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि भाई हमको तो तुरंत जॉब चाहिए, किसी भी प्रकार से पैर जमाना है,
तो वो ज्यादातर लड़के क्या कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ अभी भी हैं। रुझान इतना कम हो गया है कि इंडियन एयरफोर्स में 7 लाख फॉर्म भरे जाते थे भाई, 6 से 7 लाख फॉर्म भरे जाते थे। हम पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, हमको मालूम है कितना जबरदस्त कॉम्पिटिशन हुआ करता था इंडियन एयरफोर्स में, बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिशन हुआ करता था उस समय पर। इंडियन एयरफोर्स की जब कट ऑफ आया करती थी, शुरू होती थी, पहले कट ऑफ हुआ करती थी यानी कि 2019 से पहले, भाई आपका जो ये लगा है अग्निपथ स्कीम 2019 से पहले, 2019 तक क्या था, अग्निपथ स्कीम नहीं था उस समय पे। एक्स ग्रुप की शुरू होती थी लगभग 36 से और वाई ग्रुप की शुरू होती थी 40 से, ये लगभग जाती थी 43 तक और ये जाती थी लगभग जो है जहां तक है 41 के आसपास तक ये चली जाती थी आउट ऑफ 70 में से। तो उस समय पे कंपटीशन था, कंपटीशन तो आजकल है ही नहीं। 41 मार्क्स वाला तो आज की डेट में ऐसे समझो कि जैसे कि बिल्कुल 100% सिलेक्शन ही हो उसका। और उस टाइम पे जब परमानेंट नहीं थी, सॉरी जब परमानेंट थी उस समय पे तो 37, 37, 38 नंबर वाला बच्चा ऐसे सोचता था कि पता नहीं फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और इतने सारे लड़के उस समय पर फेज टू में निकलते थे, इतने सारे निकलते थे बेहिसाब। और अब तो इतना शानदार परिवर्तन हुआ है अग्निपथ स्कीम के आने के बाद, आप ये समझो कि फेज टू में आजकल लड़के निकलते ही नहीं है। अभी फेज टू में अगर हम बात करें इस समय पर, आज यानी कि 2 फरवरी 2024 के हिसाब को देखते हुए, इस बार के इनटेक की फेज टू को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना और भी आसान है। यानी 1-2025 की अगर हम बात करें, इस 1-2025 की बात करें तो इसमें तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। गांव देहात का बच्चा जो फेज टू से डरता था, आज की स्थिति को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद फेज टू को धीरे धीरे रिमूव ही करते हैं एयरफोर्स से। क्यों करते हैं? क्योंकि फॉर्मेलिटी के तरीके से हो रहा है फेज टू। जो बालक जरा सी तैयारी करके भी जा रहा है, जरा सी तैयारी करके जा रहा है, वो लड़का नॉर्मल वे में जीडी पास कर जा रहा है। क्योंकि आपके पास में मुश्किल से मुश्किल 50 से 55 आपके टॉपिक हैं, ठीक है, 50 से 55 टॉपिक हैं आपके, हर साल उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल, हर साल। अब 1-2025 में अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें ना यहां पर, तो बच्चों आप वास्तव में अब की बार हैप कर जाओगे, बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही शॉकिंग रहेगा अब का जो आपका कट ऑफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा कम जाएगी कट ऑफ जिसका कोई जवाब नहीं। मेन कारण क्या है? सबसे पहला तो रीजन ये है कि अभी अगर हम टोटल फॉर्म की बात करें, ठीक है, टोटल फॉर्म फिल की बात करें, तो टोटल फॉर्म फिल की संख्या कहां है? अरे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख नहीं पहुंच रही, मुश्किल से मुश्किल 2.5 लाख पहुंच रही है। पूरे 6 तारीख तक भी अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख फॉर्म भर जाए बहुत बड़ी बात मानो, 2.5 लाख फॉर्म भर जाए बहुत बड़ी बात मानो। जिधर देखो माहौल इस गरमाया हुआ है कि जी मुझे अग्निपथ स्कीम ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे 4 साल के लिए नहीं जाना है। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे जो हुआ करते थे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो इससे क्या होगा, आपका जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अब ये तो आप भी समझदार हैं, जैसे कि 22 जा रही है एक्स ग्रुप की, ठीक है, और आपकी इसकी जा रही है फिलहाल, इसको अभी बाद में लिखेंगे, आपकी इस समय 22 जा रही है और वो जा रही है 37, लगभग 37 मान लेते हैं, एक्स ग्रुप की 37 जा रही है और ये वाई ग्रुप की जा रही है 37, 22 और 37 पे जा रही है। तो यहां से अगर हम इसकी बात करें ना 1-2025 की बच्चों, तो इसमें आपको एक बात समझने वाली है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो कट ऑफ है आपकी ये वाली, भाई 22 से तो नीचे देखो ये लेके जा नहीं सकते, है ना, 22 से नीचे लेके जाने का मतलब है इससे ज्यादा तो और बेइज्जती क्या होगी। ऐसा इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 22 नंबर पे, जिसमें कि आपने 8 फिजिक्स में ले आए, 8 आप किस में ले आए, मैथ्स में, 8 फिजिक्स में, 8 मैथ्स में, और 10 ले आए आप किस में भाई, इंग्लिश में, ठीक है, कितने हो गए, 8 और 8 16, यानी कि ये हो गए आपके 26 नंबर तो आपके किस में बन रहे हैं, सिंपली बन रहे हैं। 22 नंबर तो लाना, 22 से 26, 26 नंबर तक तो कम से कम जाएगी जाएगी, लेकिन 26 से ऊपर तो भाई बिल्कुल नहीं जाएगी, 26 से ऊपर बिल्कुल भी क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि तो नॉर्मलाइजेशन भी है। और सबसे बड़ी खास बात यह है इसमें कि ये जो आपकी एक्स और वाई ग्रुप की जो कट ऑफ है, हाँ वाई ग्रुप की जरूर बढ़ी रह सकती है, वाई ग्रुप की बढ़ के इसलिए जा सकती है क्योंकि इस समय जो बच्चे जिनकी हाइट कम है वो बच्चे और एग्जामों में फाइट कर पाए, बहुत
वहां पर डिफिकल्टी होती है उनके सामने। इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना उनके लिए आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर सिलेबस बहुत छोटा है वाई ग्रुप का। अब बहुत से गधे ऐसे भी लिखते हैं नीचे कमेंट्स में कि सर सिलेबस कहाँ छोटा है एयरफोर्स का। अरे भाई, एयरफोर्स का सिलेबस वाई ग्रुप का बहुत छोटा सा सिलेबस है। जिस बच्चे ने सिलेबस पे पकड़ कर ली ना कि सिलेबस यहाँ से तैयार करना है, वो लड़के मार ही नहीं खाते इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में। मार कौन खाता है? दिन रात पढ़े जा रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहा है, 8-8, 10-10 घंटे की मैराथन चल रही है, मरेगा तो वो खुद ही। इंडियन एयरफोर्स में इंग्लिश की बात करें यार, इंडियन एयरफोर्स की इंग्लिश सबसे आसान है। ऐसे तुम्हारा रागा, जीके, मैथ्स, जरा जरा से इनमें इनका एरिया ही कितना है, क्राइटेरिया कितना है जीके पढ़ने का। आपके लिए वीडियो बनाई हुई है वाई ग्रुप के लिए, उसे जाकर के देखो, बहुत आसान है। तो इस बार आपका 2025 का जो फर्स्ट इनटेक है, इसमें अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इसे आप ये मत सोच के चलो कि भाई बहुत ज्यादा जाएगी, बहुत कम ही जाएगी। कम जाने के मुख्य कारण यही है, टोटल फॉर्म बहुत कम फिल हो रहे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट इतना है नहीं, और तो और फेज टू में भी बच्चे नहीं पहुंच रहे, फेज टू में भी बच्चे एबसेंट रह रहे हैं, है ना, बच्चे एबसेंट रह रहे हैं फेज टू में भी। तो यहां पर आपका जो कट ऑफ रहेगा लगभग यही मानो 22 से 26 के आसपास ही रहेगी। और अब की बार वाई की जो है भाई, वाई के बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना बहुत टफ होता है, क्योंकि वाई में दुनिया भर का बालक अप्लाई करता है। तो ये तो आपका 36-37 इतना रहता ही रहता है, ठीक है, 36 के आसपास रहेगी वाई ग्रुप की। तो क्योंकि दुनिया भर का बच्चा जो सब जगह से हार रहा है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ मूव कर रहा है, क्यों, यहां आसान है, फेज टू नॉर्मल हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन से आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी है नहीं, बहुत नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन हो रहा है इंडियन एयरफोर्स का। और अब की बार तो एक खास बात और है कि आपका जो मेडिकल है, आप बच्चों से बात करके देखो, जो बच्चे फेज टू दे के आए हैं, मेडिकल भी अब की बार इजी ले रहे हैं, मेडिकल भी अब की बार इजी चल रहा है। मेरे पास खुद बच्चों ने ये फोन करके कहा है कि सर मेरा तो बहुत नॉर्मल वे में मेडिकल हुआ है। तो नॉर्मल मेडिकल का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे किसी को भी ले लेंगे, लेकिन मेन चीज क्या है, सीट भरनी भी भारी पड़ जाएंगी अब इंडियन एयरफोर्स में, जो आज की स्थिति है बच्चों के इंटरेस्ट को देख करके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और किसी भी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आप तक जरूर प्रोवाइड कराते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, यहां से आप कॉन्टेंट ले सकते हैं, इंग्लिश का एक नंबर कॉन्टेंट होगा जिसमें से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर आपको इंग्लिश नहीं जाएगी। दोबारा से फिर कह रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम की इंफॉर्मेशन और सदैव मोटिवेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।